लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करले जे इलेक्ट्रिसिटी कौन आ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कौन डिस्कशन करले। आज हमें पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी माने हमें जानिचे जे कोनोसी गोटे मैटर टे सेटा कोथे थ्योरी ना ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जे कोनोसी गोटे मैटर टाइ सेटा कोथर तयारी ना एटम रे तयारी एंड एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अराउंड व्हिच रिवॉल्व ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ता माने सेंट्रल पार्ट रे कोन थाए ना एंती सेंट्रल पार्ट रे हमर रहूची न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन रहउचंती। न्यूट्रॉन टा हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोली कहूचे प्रोटॉन टा होची पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होची नेगेटिव चार्ज। एही तीनटा जिनस रे हमें मेनली बाबूचे कोन ना एटम टा तयार। तो हमर जो रहला प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन सेटा गोटे एटम रो सेंटर रे रहउचंती जहाँ को हमें कहूचे न्यूक्लियस। ता चारिपटे सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करचंती ना रिवॉल्व करचंती। सुइटेबल नंबर माने जेतिकिटा प्रोटॉन न्यूक्लियस भितर अछि सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन कौन करचंती ना न्यूक्लियस चारिपटे बुलुचंती। ताले इन एनी पीस ऑफ मैटर द पॉजिटिव प्रोटॉन चार्जेस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल ईच अदर एंड सो द मैटर इन बल्क इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ताले सपोज ये जो गोटे आटम है ता भितर जेतिकिटा प्रोटॉन अछि सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन अछि। गोटाए प्रोटॉन रो चार्ज होउछि प्लस ई गोटाए इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होउछि माइनस ई। तो जदि नंबर ऑफ प्रोटॉन आउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान अछि गोटे आटम भितर ता माने जेतिकि पॉजिटिव चार्ज अछि सेतिकि नेगेटिव चार्ज अछि। तो टोटल चार्ज कोन होउछि ना कैंसिल आउट होउछि। जे कोनोछि गोटे सपोज एटा गोटे सब्सटेंस हला तार मु एतिकि पार्ट कथा भाबिबि आ भितर टोटल जेतिकि आटम अछि ता भितर जेतिकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अछि सेतिकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अछि। सो दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज जेतिकि टोटल नेगेटिव चार्ज सेतिकि हेउछि आज ए बॉल कोन हेउछि ना से जो मैटरटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हे जाउछि। ताले द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल ऑफ एन एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। एही जो इलेक्ट्रॉन गुडा को जो गुडा को आउटर मोस्ट सेल रे अछि सबटु बाहरिया सेल रे अछि सेल माने एटा उटे सेल एही जो न्यूक्लियस चारिपटे बुलुछि सबटु आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन बुलुछि से एटम सहित लूजली बाउंड हे गिरछि। काहे कि ना जेते जेते न्यूक्लियस पाखु को जिबा तांको भितर डिस्टेंस कमिबो। डिस्टेंस कमिले प्रोटॉन आउ इलेक्ट्रॉन भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता बडी बडी चलिबो आउ जते जते दूर को जिवो डिस्टेंस कोन हबो बडी बडी चलिबो। तो तांको भितर फोर्स ता कोन माने कमी कमी चलिबो। तो जते आउट माने दूर रे थिबो न्यूक्लियस थारु ता तारो कोन ना न्यूक्लियस सहित जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटा सेते कम रहइबो। तो कम अछि ता माने से कोन लूजली बाउंड अछि ता ताकु रिमूव करैबा इजी थाए। जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करैबा इजी थाए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ता माने सपोज एटा गोटे मेटल टे अछि बा जे कोनसी गोटे मटेरियल आ सरफेस ऊपर गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आमे चाहू जे इलेक्ट्रॉन टा सरफेस रु बाहर को बाहर कर दबा सेति पे आमे कोन करबा ना ताकु किछि एनर्जी दबा पड़िबो। जेमति कि एठी गोटे डायग्राम अछि एठ जो इलेक्ट्रॉन माने अछि एठी फर्स्ट ऑर्बिट रे दीटा इलेक्ट्रॉन अछि। जदि ए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन गला सेकंड ऑर्बिट को जीवो सेकेंड ऑर्बिट रु जदि एनर्जी गेन गला थर्ड ऑर्बिट को जीवो। जदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे ताले लोअर रु हायर ऑर्बिट को जीवो। तो जदि ऑलरेडी हायर ऑर्बिट रे अछि ताकु पुणी एनर्जी दियाला से कोन करबो ता नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जीवो। तो जेते बेले गोटे इलेक्ट्रॉन टाइ टोटल आटम रु बाहरि जाउछ आमे ता कहजो जे सेटा हो गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन जे कि गोटे मेटल भितरे बुली पाउछ बा जेतेले आमे ता अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस दउछ से मेटल भितरे मूव करछ। किंतु जदि मेटल सरफेस रु टोटल बाहर कर देबो को आमे चाहू छे गोटे इलेक्ट्रॉन को मिनिमम जति कि एनर्जी देले से मेटल सरफेस रु बाहर को बाहरि आसीबो सेही अमाउंट रो एनर्जी को आमे कहछ कोन ना वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। सो वर्क फंक्शन कोन हला ना तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। गोटे मेटल सपोज मु कहबी एटा गोटे पेंडे आ सरफेस रु पूरा बाहर को बाहर कर दबा को गोटे इलेक्ट्रॉन को मते से इलेक्ट्रॉन को मिनिमम रे जति कि एनर्जी दबा को पड़िबो सेटा होची ए मटेरियल रो वर्क फंक्शन। ठीक है
ताले व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर जितो बळे दीटा डिफरेंट बॉडीज सपोज मु कोई भी गोटे हैला प्लास्टिक आ गोटे हैला उल जितो बळे प्लास्टिक को उल रे आमे घोसिबा रब करिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल विथ लोअर वायर फंक्शन टू द मटेरियल विथ हायर वायर फंक्शन ता माने जदी दीटा ऑब्जेक्ट को आमे कोन करूचे ना घोसुचे बा रब करूचे रबिंग करूचे सेते बळे कोन होची ना जो सब्सटेंस रो वर्क फंक्शन कम तमन ताकु अल्प किछ एनर्जी देले ता भितरु इलेक्ट्रॉन को आमे बाहर करि परुचे तो जेतेले आमे घसुचे बा फ्रिक्शन आसुची ता द्वारा कोन होची जो मटेरियल रो वर्क फंक्शन कम सेतरु जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर जाउची आ जो सब्सटेंस रो वर्क फंक्शन अधिक तातरु इलेक्ट्रॉन तो बाहर नै किंतु ये कोन करछ ना इलेक्ट्रॉन टाणी नै जाउची सो जहार वर्क फंक्शन कम सेतरु इलेक्ट्रॉन पळैबो जहार वर्क फंक्शन कम सी कोन करे ना रिसीव करिनि से इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क जदी गुटे ग्लास रो रॉड गु आमे कोन करबा ना सिल्क रे घसिबा सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क जेतु ग्लास रो वर्क फंक्शन होची कम ग्लास रु कोन करे ना इलेक्ट्रॉन टा बाहर जाय जेतो बळे ग्लास ऊपर आमे सिल्क कपडा को घसिबा सेतो बळे ग्लास रो सरफेस रु इलेक्ट्रॉन सिल्क भितर को पळाय कारण सिल्क रो वर्क फंक्शन अधिक वर्क जो ग्लास रो वर्क फंक्शन कम तो ग्लास भितरु कौन ना इलेक्ट्रॉन डा सिल्क भितर को चल जाए सो जेतु ग्लास भितरु इलेक्ट्रॉन डा पळौची इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होजु कारण ता पूर्वुरु कोन थिवो ना गोटे मटेरियल डा गोटे एटम डा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थिवो जेतिक नंबर ऑफ प्रोटॉन अछि सेतिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थिवो किंतु जेते बेले इलेक्ट्रॉन चली गला सेटी प्रोटॉन संख्या त सेम अछि तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी गला त माने सपोज 5टा इलेक्ट्रॉन थिला 5टा प्रोटॉन थिला एबे दीटा इलेक्ट्रॉन चली गलानी आ कोन पांचटा प्रोटॉन अछि तीनटा इलेक्ट्रॉन एबे अछि सो जो दीटा प्रोटॉन रहला तार चार्ज एक्सेस रहला एठी तीनटा इलेक्ट्रॉन रो नेगेटिव चार्ज तीनटा प्रोटॉन रो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देला ता पोरे आउ दीटा प्रोटॉन कोन रहला ना एक्सेस रहला सो सेही जो दीटा प्रोटॉन रो चार्ज था पॉजिटिव रे देखेला सो ग्लास रॉड भितरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हेला बेले तापरे सिल्क कोन छि ना सिल्क दीटा इलेक्ट्रॉन को नै जाय छि तो जेतिकि इलेक्ट्रॉन नै जाय थिबो सेतिकि इलेक्ट्रॉन से मटेरियल रे एक्सेस हेतो कारण ता पूर्वुर ताटे जेतिकि इलेक्ट्रॉन थिला सेतिकि प्रोटॉन थिला जेतिकिटा इलेक्ट्रॉन एटु ग्लास भितरु नै गला सेतिकि इलेक्ट्रॉन कोन हला ना एक्सेस हे गला तो इलेक्ट्रॉन नो चार्ज नेगेटिव सेति पई सिल्क कोन हला ना सिल्क भितरु गुटे नेगेटिव चार्ज डेवलप हेला तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे से नेगेटिव हबो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करूची से पॉजिटिव हबो आ लूज काई करिवो ना जदी से सब्सटेंस रो वर्क फंक्शन कम अछि से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दबो आ जो सब्सटेंस रो वर्क फंक्शन अधिक अछि से कोन करे ना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेनी सो से कोन करिवो अन्यतरु नै आसीबो तो नेगेटिव हे जइबो किंतु द कंबाइंड टोटल ऑफ द ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ इज स्टिल जीरो किंतु एबे भी जदि से ग्लास रॉड आउ सिल्क टोटल कंबाइन करके देखिबा से मानकर आ पूर्वुर कोन थला सिल्क भी नेगेटिव जो न्यूट्रल थला ग्लास रॉड भी न्यूट्रल थला कारण ग्लास भितरे जति की टोटल पॉजिटिव चार्ज थला सिल्क भितरे भी टोटल सेति की पॉजिटिव सॉरी ग्लास रॉड भितरे टोटल जति की पॉजिटिव नेगेटिव थला से माने कैंसिल आउट कर दउथले सिल्क भितरे भी टोटल जति की पॉजिटिव आउ जति नेगेटिव से गुडा भी समान थला से माने कैंसिल आउट कर दउथले किंतु एबे कोन होई छि ना ग्लास भितरे पॉजिटिव डेवलप होई छि सिल्क रे नेगेटिव डेवलप होई छि किंतु ग्लास रे जेतिक अमाउंट रो पॉजिटिव डेवलप हेइतिबो सिल्क रे सेतिक अमाउंट रो नेगेटिव डेवलप हेइतिबो सो जदि टोटल रे कंबाइन करिक देखिबा एबे भी स्टील कोन अछि ना टोटल चार्ज ता जीरो अछि आज इट वाज बिफोर रबिंग जेंति फ्रिक्शन पूर्व रुबा घसिबा पूर्व रु जेंति टोटल चार्ज से मानकर जीरो थला एबे भी टोटल चार्ज जीरो अछि गोटा जिंस पॉजिटिव हे छि आउटा जिंस नेगेटिव हे छि किंतु यदि कंबाइन करके देखिबा ये जति की पॉजिटिव से सेति की नेगेटिव तो यदि कंबाइन कर दो छ कोन हो छि ना कैंसिल आउट हे जो से मन को टोटल चार्ज ताले चार्ज इज ए जो नेचर ता ताको हम कोन को छि ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग रबिंग कंजर्व माने बिफोर फ्रिक्शन बा बिफोर रबिंग जति की टोटल चार्ज थला एबे भी सेति गछि केवल गोटाई बॉडी रु आ गोटे बॉडी को कोन हे छि ना ट्रांसफर हे जाय छि इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स माने द ओनली वे बाय व्हिच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड अवे फ्रॉम एन एटम इज टू एक्जर्ट ए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट गोटाए एटम भितरु आमे केमिति गोटाए इलेक्ट्रॉन को बाहर करि परिबा ना जदी आमे गोटाए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फोर्स ता उपरे अप्लाई करिबा गोटाए एटम उपरे ताहाले ही जाई करि आमे गोटाए इलेक्ट्रॉन को
बाहर करी परबा काई कि ना एटम भितरे इलेक्ट्रॉन डा का सहित बांधी गिरि छी प्रोटॉन संगे बांधी गिरि छी आ से माने काहे कि बांधी गिरि छथि ना से मानक भितरे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहु छी सेति पई गोटा इलेक्ट्रॉन आ गोटा प्रोटॉन टा बांधी गिरि छथि त माने से मानक भितरे फोर्स टा कोन अछि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फोर्स अछि गोटारे चार्ज पॉजिटिव गोटारे चार्ज नेगेटिव आमे पढिले जे जदि अपोजिट चार्जेस अछन से माने जणा अन्य जन को अट्रैक्ट करिवे तो ए जो अट्रैक्शन टा अछि सेटा कोन अछि इलेक्ट्रिक फोर्स अछि जदि ता से जो अट्रैक्शन नो फोर्स थारु आमे आउटाए अधिक फोर्स अप्लाई करिबा ताहाले जाइकिरि से फोर्स टा ब्रेक हबो सो दैट आमे कोन करि परिबा ना इलेक्ट्रॉन टा काढि परिबा किंतु फ्रिक्शन द्वारा बा रबिंग करिबा द्वारा घसीबा द्वारा गोटे ऑब्जेक्ट को आउट ऑब्जेक्ट ऊपर आमे इलेक्ट्रॉन को बाहर करि पाउछे ता माने फ्रिक्शन द्वारा आमे गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स कोन करछे जनरेट करूछे आज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग सो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट हैव एन इलेक्ट्रिक ओरिजिन जेहेतु आमे फ्रिक्शन करबा द्वारा ग्लास ऊपर सिल्क को घसीबा द्वारा आमे इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली रिमूव करि पारुचे ग्लास भितर से बाहरी आउची आउ सिल्क भितर को चली आउची सो जेहेतु एक्चुअली इलेक्ट्रॉन टा बाहरी आसुची ता माने डेफिनेटली जेते बेले आमे ग्लास ऊपर सिल्क को घसुचे बा जे कोनसी दुटा सब्सटेंस को जेते बेले कोन करचे घसुजे डेफिनेटली घसीबा द्वारा बा फ्रिक्शन द्वारा बा रबिंग करबा द्वारा गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स टाइ जनरेट हो जो इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जिते बे फ्रिक्शन करुचे घसुचे गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स टाइ डेफिनेटली जनरेट हो इलेक्ट्रिक फोर्स टाइ जनरेट न हो था इलेक्ट्रोन टा के बाहर ना तो जेहेतु इलेक्ट्रोन टा बाहर तो से डेफिनेटली गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स ओरिजिन बाहर कंडक्टर एगुडा का हमें ऑलरेडी जानचे कंडक्टर कौन द सब्सटेंसेस थ्रो व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स जो सब्सटेंस भितरे इलेक्ट्रिक चार्ज टा इजीली फ्लो करि परिबो सेगुडा कहउची कंडक्टर जेमति कि एग्जांपल हैला जे कोन से गोटे मेटल रो जदि एग्जांपल नबा सपोज गोल्ड हैला सिल्वर हैला आयरन कॉपर एल्युमिनियम ए सब जक होचिन गोटे नेका गुड कंडक्टर सबुट भलो कंडक्टर होची सिल्वर आ गोटे कौन ह्यूमन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज मनुष्य है कि गोटे एनिमल ता बॉडी आम जो इलेक्ट्रिक तार को छुँचे आम सक लगे कहीं आम भितर दे चार्ज टा फ्लो कर चार्ज फ्लो न करू था आमको करेन्ट लगन था ना कौन एसीड्स यही सब जिनस गुडा कौन ना कंडक्टर इंसुलेटर इंसुलेटर कौन द सब्सटेंसेस थ्रो व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स जो सब्सटेंस भितरे इलेक्ट्रिक चार्ज टा फ्लो करी परिबोने से सब्सटेंस को आमे कहूचे कौन ना इंसुलेटर जमती एग्जांपल हूँ वुड काठ ग्लास प्लास्टिक रबर ये सब जिन अच्छा आ टे पूर्व तुमको एग्जांपल दौली ग्लास को सिल्क रे घसीबा द्वारा ग्लास भितरे चार्ज डेवलप हो ग्लास हूँ गोटे इंसुलेटर देखो ग्लास रे सिल्क घसीबा द्वारा ग्लास भितर चार्ज डेवलप होउछ काई कि ना सेतरु किछि इलेक्ट्रॉन टा बाहरी आउछि सिल्क भितर को चल जाउछि किंतु से चार्ज जो डेवलप हैला सेटा स्थिर रहउछि सेटा से ग्लास भितर से मूव करूने चार्ज टा जदि मूव करू थांदा ता भितर गोटे इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होउथांदा किंतु से जो एटम भितरु इलेक्ट्रॉन टा बाहरी जाउछि से एटम सेइट अछि से इलेक्ट्रॉन टा वन चली गला सिल्क भितर को ता भितर आ चार्ज रो कोनोसी प्रकार मूवमेंट नाही बा सिल्क भितर को जो चली गला ता भितर चार्ज रो कोनोसी मूवमेंट हो नै से बस चली गला आ रही गला सेति सेति पई टोटल रे गोटे नेगेटिव चार्ज बा गोटे पॉजिटिव चार्ज गोटे सब्सटेंस भितर डेवलप हो छि किंतु से चार्ज टा मूव करू नै बा जदी आमे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करू जे ता अक्रॉस रे ता भितर चार्ज टा फ्लो करू जेमति कि गोटे तार टा अछि ता अक्रॉस रे आमे जदी पोटेंशियल डिफरेंस दउ छै बा बैटरी टा लगौ छै किंबा कोनोसी एसी सोर्स लगैले ता भितर इलेक्ट्रिक करंट टा फ्लो करू छि किंतु आ भितर वुड हैला ग्लास हैला प्लास्टिक हैला भितर इलेक्ट्रिक करंट टा फ्लो करूनी केवल घसीबा द्वारा इलेक्ट्रॉन टा बाहर जाउची सो दैट गोटे चार्ज टा डेवलप होउची आउटे सब्सटेंस होउची सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ए माने कंडक्टर भलिया बेसी भलो करंट कैरी करंदिनी किंतु इंसुलेटर भलिया पूरा अपोज भी करंदिनी बुझुछ तमन एमानकर कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर कंडक्टर थारु टिके कम इंसुलेटर थारु टिके अधिक रुए जेमति कि एग्जांपल होची जर्मेनियम आ सिलिकॉन ए सेमीकंडक्टर रो यूज पाई ही आमे आजि कंप्यूटर यूज करि पारु छे मोबाइल यूज करि पारु छे
बा आमे जो कहे सेमिकंडक्टर डिवाइस गुडा को जोडा रहला डायोड ट्रायोड एगुडा को बा आइस एगुडा को यूज करि परचे तो आइस माने कोन इंटीग्रेटेड सर्किट ता माने गोटे छोटो चिप भितरे बहुत गुडे माने कोन डिवाइस फैब्रिकेटेड हेकर थिबो बा छोटो साइज रे बहुत गुडे कंपोनेंट ता भितर रहउची आगुरु कोन होतला ना प्रथम प्रथमे जेतेबेले तमे देखिबो जदि गूगल रे सर्च कर देखिबो प्रीवियस कंप्यूटर गुडा का बा ओल्ड कंप्यूटर गुडा को वैक्यूम ट्यूब यूज होता वैक्यूम ट्यूब मैंने कैथोड को हिट करवा इलेक्ट्रॉन जनरेट हम इलेक्ट्रॉन बाहर गोटे वैक्यूम बाल भितर तापर गोटे करंट मानते फ्लो कर सो दैट से गोटे फंक्शन दौला तो से एक तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार इलेक्ट्रिक करंट दरकार होता ऑन ऑफ टाइम भी बहुत अधिक लगुला कारण गोटे जिन तातिबर गरम हम से इलेक्ट्रॉन बाहर ये प्रोसेस टा बहुत लेंदी बहुत एनर्जी भी रिक्वायर कर बहुत टाइम लगुला बहुत बल्कि होता बहुत बड़ बड़ साइज होता देखिए गोटे गोटे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो गुड़ाक गूगल देखिए जो गुड़ाक ओल्डेस्ट कंप्यूटर तीन टा चार घर नहीं रही थोड़ा पांच जन दस जन दरकार पड़ते तो गोटे कंप्यूटर को अपरेट करने आम जो मोबाइल यूज करे बहुत अधिक पावरफुल आम पकेट पुरे दूचे बुझ सो ये जिनसा आसी यूज कर आडभांस जो आम सेमी कंडक्टर आडभांस यूज तार साइज को हमें रिड्यूस कर पाउचे तार फंक्शन को हमें इंक्रीज कर पाउचे केवल सेमीकंडक्टर रो यूज पाई ओके चाउडा होची अर्थिंग एंड सेफ्टी अर्थिंग एउ सेफ्टी कोन द प्रोसेस इन व्हिच ए बॉडी शेयर्स इट चार्जेस विथ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग ता माने गोटे बॉडी टाए तार जो एक्सेस चार्ज अछि ताकु से अर्थ सहित शेयर करबा को हमें कहचे अर्थिंग और ग्राउंडिंग देखो घर जो प्लग लागी सभा उपर जो तीन टिका प्लग टा अच्छी सभा दीटा प्लग थी उपर को गोटे चिन्ह थी सपोज ये दिटा रही प्लग रहा उपर को गोटे चिन्ह टाइम ये जो गुटाक हूँ ये पॉइंट टा यहाँ हूँ आर्थिंग रॉइंट ता मैंने जदि से मानने सर्किट्रे कि एक्सेस चार्ज फ्लो करुच्चे कौन कर ना आर्थ को सेयार करदेव सो दैट से डिवाइस टा सेफ्टी रही जदि आम आर्थिंग न करवा ग्राउंडिंग न करवा से एक्सेस चार्ज टा भर रही गोटे इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप कर कंपोनेंट को खराब करदेव देखियो जदि दामिका जिनस तुम किणु से गोटे आडभटाइज लिखु थोड़ा मेटालिक कवर मान जदि से किसी इलेक्ट्रिक फिल्ड बढ़ीगला जदि किसी एक्सेस चार्ज चलेगा से चार्ज गुडा से सरफेस डिस्ट्रब्यूट करदेव सो दैट कौन ना इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो हम आवइस किसी खराब हम आपको आम चैप्टर नंबर टू रे भी पढ़ा आउ थे भल कर डिस्कसन करवा टे कहीदी तो गोटे बॉडी टाइम ता चार्ज को हमें अर्थ सहित शेयरिंग करबा को हमें कहचे अर्थिंग करबा सपोज एटा होचो गोटे बॉडी रे मन कर एटा होचो गोटे बॉडी रे आदर एक्सेस चार्ज होची पॉजिटिव चार्ज होची जदी हमें आकु अर्थिंग कर दबा अर्थिंग करिया माने एई जो सिंबल टा एटा होचो अर्थिंग रो सिंबल एम लाग दियो जूट लगे कथा एई पॉइंट ने लगे दबो एमती करो बंका करो सीधा करो जा करो एई सिंबल टा होचो हमर अर्थिंग जूट एई सिंबल देखाय छी ता माने सेही जगह रे कोन कराय छी अर्थिंग कराय छी तो ये एबे कौन अच्छी पॉजिटिव चार्ज अच्छी ता माने एबे अर्थ रु इलेक्ट्रॉन जीव आउ याकु न्यूट्रल कर दबो ता माने जेते बेले अर्थिंग कर दबा ये जो चिन्हटा हटि जीव तापर कोन हे जीव तापर ए आ जीव पूरा न्यूट्रल हे गेला काहे कि ना एबे एटी पॉजिटिव चार्ज थला अर्थ रु इलेक्ट्रॉन कोन को लाना चली गेला आउ ताकु न्यूट्रल करे गेला जदि सेही जगह रे इंदी अच्छी नेगेटिव चार्ज अच्छी सपोज गोटे सब्सटेंस रे नेगेटिव अच्छी आमे सेनटा कोन कले जो एक्सेस चार्ज अच्छी अर्थ को पल न्यूट्रल तो जदि एक्सेस इलेक्ट्रॉन अच्छी अर्थ को चली आसो जदि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी अर्थ रु इलेक्ट्रॉन चल जीव सो दैट से ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कर देबे शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग आम समस्त घर प्रायत अर्थिंग करा दरकार जदि न करिचो घरे बा जदि कहारे घरे अर्थिंग नाही सांगे सांगे घरे अर्थिंग कराओ सेफ्टी पाई किसी भी जदि असुविधा है लाइटनिंग है घड़घड़ी पड़ा किसी भी है अर्थिंग जदि अच्छी तेल तुम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेफ रहा कौन कर ना से एक्सेस चार्ज को कौन कर ना अर्थ को सेयार कर दब ना घर जितक सर्किट अच्छी जितक इलेक्ट्रिकल डिवाइस अच्छी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस अच्छी जे कनेक्टेड थी से टाइम सर्किट सहित तुम बोर्ड सहित सब सब जलिज पसबिलिटीज अच्छी से आर्थिंग निहाती आवश्यक सो आज क्लास आ पूर्व भिडटा जब न देखीच से देखीदेव आ चेल को सब्सक्राइब करदेव आ वीडियो को लाइक एंड शेयर
କରିଦେବା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କ'ଣ ରହିଲା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ।